आपने आज अखबार पढ़े होंगे तो उसमें तो सारा ये जो लीक्ड एनएसएसओ डेटा है, इट इज सजेस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट रिकॉर्ड हाइज. You are going to say that it is leaked, it is not real. When is the data coming out? Obviously, I wouldn't know that, the Ministry of Statistics will know. But एक और मैं आपको एक पहलू देना चाहूंगा जिस पर आप भी विचार करिए. ये जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद और ये जो कड़े कदम उठाए काले धन के ऊपर, उसके बाद जो फॉर्मलाइजेशन हुई है इकोनॉमी की, ये तो पिछले तीन चार पांच सालों में ही हुई है. ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का अभी तक किसी ने पूरी तरीके से आकलन शायद पहले कभी करा नहीं होगा. तो ये फॉर्मलाइजेशन का लाभ साधारणतः और स्वाभाविक रूप से देश की जनता को मिलेगा. आखिर जब 7.5% ग्रोथ कंसिस्टेंटली पांच साल के, लाभ कहां से, नौकरियां जा रही हैं, लाभ कहां से, नौकरियां जा रही हैं, ये आप नौकरियां हैं कुछ लोगों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आप भी देखिए कि 7.5% कंसिस्टेंट ग्रोथ, विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी आज भारत बन गई है. और नौकरियों का स्वरूप बदला है. मैंने कई बार पहले भी बताया, एक बार आपके समक्ष भी रखता हूं. अब देखिए, एनटीपीसी का अगर एक पावर प्लांट बने कोयले के ऊपर, थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ मात्रा में वो नौकरियां देगा, वो दिखेगा आंकड़ों में, दिखेगा क्योंकि बड़ा पावर प्लांट है, उसमें फॉर्मल सब लोगों की एंगेजमेंट होगी. उतनी ही बिजली जब मैं सौर्य ऊर्जा से बनाता हूं, सोलर पावर, तो लगभग 15 गुना लोग उसमें रोजगार पाते हैं, लेकिन वो किधर, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड में, डिस्ट्रीब्यूटेड में हो जाता है. लेकिन आज पूरे दुनिया में नौकरी का स्वरूप आज सरकारी नौकरी, दे आर नॉट क्वालिटी जॉब्स, राइट, दे आर जस्ट, ये आप अज्यूम कर रही है. आज मैं पीछे, जस्ट सर्वाइवल, मैं नहीं मानता हूं ऐसी बात है. पीछे एक लड़का मिला, उसने घरों की छतों के ऊपर सौर्य ऊर्जा के लगाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया, और जिस तेज प्रगति कर रहा था, जिस तेज गति से, क्योंकि आखिर लोगों को समझ में आने लगा कि आप तीन चार रुपए में आपको आगे 25 साल तक बिजली मिलेगी, तो लोग बड़े पैमाने पर उससे जुड़ना चाह रहे. आपको पता है सौर्य ऊर्जा 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में, 10 गुना, 10 टाइम ग्रोथ.